हेलो दोस्तों, मैं अनिल सैनी और स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पर इंजीनियर एट साइट। दोस्तों, आज जो आप इस वीडियो में देख रहे हैं, ये जो एक फॉर्म है, इसको मैं एक जगह से लेकर के आया हूँ। वो इसलिए लेकर आया हूँ कि मेरे पास एक छोटी सा एरिया है, उस जगह में मुझे कम से कम 2 इंच कंक्रीट भरनी थी, जिससे कि मुझे लग रहा था कि इसमें बहुत ज़्यादा कंक्रीट आने वाली है, काफ़ी जगह कम है और कॉस्ट ज़्यादा आ जाएगी। तो मैंने सोचा कि कुछ नया एक्सपेरिमेंट करके देखा जाए। तो मैंने क्या किया, एक जगह से मैं इसको फॉर्म को लेकर आया हूँ, जो कि अंदर से इसमें खांचे कटे हुए हैं। अब ये खांचे कटे हुए हैं तो ये हमारे लिए और भी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। अगर इसमें खांचे नहीं होते तो थोड़ा सा कम बेनिफिशियल होता है। दोस्तों, इस चीज़ को मैं जो है उस जगह पे लगाने वाला हूँ जहाँ पे मुझे सिर्फ उसमें फिलिंग करनी है। तो मैं इसमें क्या करूँगा, मैं इसके अंदर कंक्रीट भर के भरूँगा और इसको कंक्रीट भरने के बाद वापस से चेक करेंगे कि ये कंक्रीट भरने के बाद सरफेस हमारा जो है वो मजबूत होता है कि नहीं होता है। दोस्तों, इस चीज़ का यूज हम उस जगह पर भी कर सकते हैं, जैसे हमने कहीं पर अपने सेप्टिक टैंक का ढक्कन बनाया और उसको हमें ऊपर से कवर अप करना है, या किसी रूम के अंदर आ जाता है तो हमें बार बार तोड़ना पड़ता है उसे खाली करवाने के लिए, और फिर से फिलिंग करनी पड़ती है उसको। तो हम इसको उस जगह पर भी लगा सकते हैं। इससे क्या होता है, जब हम इसको तोड़ते हैं तो एक तो ये फॉर्म जो है ख़राब नहीं होता है, दूसरी बात क्या है कि जब हम इस फॉर्म को लगा करके इसके ऊपर से मसाला लगा देते हैं तो आसानी से टूट भी जाता है। और दूसरा, अभी मैंने इसको अपने सेप्टिक टैंक के ढक्कन के ऊपर लगाया हुआ है, क्योंकि वो बार बार मुझे खाली करवाना पड़ता है, तो ढक्कन खोलने के लिए मुझे उस जगह का जो फर्श है वो तोड़ना होता है। तो जिसकी वजह से ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, मेरी इसमें कंक्रीट भी कम लगती है और मैं इसको आसानी से इसको रख करके कंक्रीट हल्की सी कंक्रीट फिल कर देता हूँ और आसानी से मैं इसको निकाल भी लेता हूँ, जिससे क्या होता है मुझे ज़्यादा ही मेरा टाइम नहीं ख़राब होता और ना ही ज़्यादा मेरी कॉस्ट आती है। और तो दोस्तों, आज हम इस चीज़ को एक नई जगह पर यूज़ करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक छोटा सा 4x4 का एरिया है जिसमें मैंने इसको कंक्रीट भर करके पहले ही एक्सपेरिमेंट करके देखा है। 2 दिन पहले मैंने इसको भरा था। अब इसको मैं तराई करने के बाद अभी देखने आया हूँ कि इसकी स्ट्रेंथ कैसी होती है। तो दोस्तों, मैंने इसको कॉर्नर से कॉर्नर मिला करके रखा हुआ है। अभी मैंने इसको आधे में ही फिल किया है। आप देख भी रहे होंगे इस वीडियो में, आपने ये देखा होगा कि कंक्रीट भरने के बाद कि कैसा सरफेस दिखाई दे रहा है। अभी मैं इसके ऊपर चढ़ के देख रहा था तो काफ़ी मजबूती इसको मिली हुई है, और इसमें ऐसा भी नहीं है कि अगर ये फॉर्म जो है कि इधर उधर हो रही है या फिर पैर रखने से दब जा रही है, इसमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ बनी हुई है। ऐसा भी नहीं है कि हमें इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये हमारी जो है ना, कुछ ऐसी जगह के लिए यूज़ किया था जहाँ पर ज़्यादा लोड ना है, क्योंकि ज़्यादा लोड आएगा तो ये कंप्रेस हो जाएगी फॉर्म और जो कंक्रीट है वो डिसमेंटल हो जाएगी। तो इसलिए दोस्तों, हम इस चीज़ को ऐसी जगह पर यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर हमें ज़्यादा लोड की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ फिलिंग के काम के लिए हो। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि टैंक के ढक्कन के ऊपर यूज़ कर सकते हैं और कमरे में किसी ऐसी जगह पर फिलिंग करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।